हाय गाइस वेलकम बैक टाइगर थ्री नेशनल चेंज में क्या सिनेरियो चल रहा है आज के दिन कहां तक पहुंची है एडवांस बुकिंग नंबर ऑफ टिकट सोल्ड कहां तक पहुंची है नेशनल चेंज में सब कुछ बताती हूं आपको इस वीडियो में वीडियो का इनक जरूर देख लो चैनल को कर लो सब्सक्राइब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नेशनल चेंज वर्सेज सिंगल स्क्रीन की यहां पर यह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यों क्योंकि जब टाइगर थ्री जैसी फिल्म की बात होती है या किसी भी फॉर इंस्टेंस किसी भी बहुत बड़ी फिल्म बड़े स्केल की फिल्म की बात होती है आज के समय में सिंगल स्क्रीन्स का बोलबाला बहुत ज्यादा है नेशनल चेंजस आर वेरी हाइप्ड नेशनल चेंज कह सकते हैं कि जरूर हम लोग प्रेफर करते हैं नेशनल चेंजस में देखना लेकिन मैं आपको बताऊं सिंगल स्क्रीनस और लोकल प्लेक्सेस ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूरी कहानी बदल के रख दिया इस साल में 2023 में मूवी कलेक्शंस की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की क्यों क्योंकि इस साल में रिवाइवल हुआ पठान के साथ रिवाइवल हुआ सिंगल स्क्रीन्स का जो बंद पड़ गई थी ये सिंगल स्क्रीन वो होती हैं जहां पर टिकट प्राइसिंग बहुत सस्ती होती है मास पॉकेट्स के लिए बहुत अच्छी रहती हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ वो लोग बेफिक्र होकर जाकर सिंगल स्क्रीन में मूवीज को एंजॉय कर सकते हैं बात करें लोकल प्लेक्सेस की लोकल प्लेक्सेस कैसे हो गए जैसे कि मिराज सिनेमाज मूवी मैक्स या वेव सिनेमाज जो कि नोएडा में है तो ये जो जितने भी प्लेयर्स हैं राजहंस सिनेमाज काफी बड़ी चेन है ये भी तो ये जो हैं दीज आर लोकल प्लेक्सेस और ये बहुत सारे हैं एस आर एस सिनेमा आपके जो शहर होंगे आपको सबको उनमें पता होगा आपके शहर का कौन सा लोकल प्लेक्सेस है ठीक है ये लोकल प्लेक्सेस में भी कई सारी चीज़ें होती हैं पहली चीज़ तो टिकट प्राइस काफ़ी नॉमिनल होता है काफ़ी अफोर्डेबल होता है उसके बाद ये बहुत सारे ऑफर्स रन करते हैं ये लोग पी वी आर आइनॉक्स से भी ज़्यादा ऑफर्स जो हैं वो सिंगल प्लेक्सेज में आपको मिल जाएंगे लोकल प्लेक्सेज में और उसी के साथ साथ ये काफ़ी लोकली एक्सेसिबल होती हैं काफ़ी ईजीली एक्सेसिबल होती हैं फॉर द पीपल हु आर स्टेइंग इन द इंटीरियर्स और द आउटस्कर्ट

छोटे शहर नहीं बोलूंगी मैं इनको टू टीयर सिटीज़ थ्री थ्री टीयर सिटीज़ बोलना चाहूंगी ये जो शहर हैं यहाँ पर सिंगल प्लेक्स की मात्रा क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद पीवीआर एंड आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस अब क्या होता है कि जब फिल्म रिलीज़ होती है तो जो ऑडियंस है जो ऑलरेडी अपने सिंगल प्लेक्स से ज़्यादा यू नो फेमिलियर है उस माहौल से ज्यादा फेमिलियर है सिंगल प्लेक्स क्या सिंगल स्क्रीन में ज्यादा फेमिलियर है वो जाकर पहले से ही या तो पहले से टिकट बुक कराते हैं या फिर वॉक इन उस वक्त पे आकर इजीली उनको टिकट्स मिल जाती है क्योंकि इन कपा, इनकी कैपेसिटीज़ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं ठीक है थीके? तो अब कहानी सुनते हैं हम कि टाइगर ने कहाँ पर बाजी मारी है टाइगर के साथ चल क्या रहा है देखो मैं बताऊँ आपको जवान के टाइम पर भी क्या हुआ था और इन दोनों का कोई कंपेरिजन नहीं है मैं कंपेरिटिव यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ क्योंकि जवान इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पाई यूनिवर्स वेर एज टाइगर इज तो जवान के टाइम पर लेकिन मैं एक एक रेशियो बताने की कोशिश करी कि क्या हुआ था कि सिंगल स्क्रीन्स जो कि पठान के टाइम पर कम थी इन कम्पेरिजन विद द नेशनल चेंज क्या हुआ था कि जवान के टाइम पे वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उनसे कलेक्शन बहुत ज्यादा आ गई थी वहाँ पर टिकट सोल्ड बहुत ज्यादा थी फुटफॉल बहुत ज़्यादा थे इन कंपेरिजन टू पी वी आर आइनॉक्स एंड सिनेपलिस यही कहानी यहाँ पे होने जा रही है टाइगर के टाइम पे क्योंकि अब आने वाली जो भी बड़ी बड़ी मूवीज होंगी उनमें सिंगल प्लेक्सेस का बोल वाला ज्यादा रहेगा सिंगल स्क्रीन्स का बोल वाला ज़्यादा रहेगा तो ये जो एनालिसिस है बेसिकली आपको ये समझाने के लिए है कि इस वक्त पर जो भी नंबर आप देखेंगे मैं आपको बताऊंगी ये सिर्फ पी वी आर आइनॉक्स सिनेपोलिस का है इसके अलावा सिंगल स्क्रीन्स में वॉक इन ऑडियंस उस दिन क्या आएगी या फिर सिंगल स्क्रीन या फिर लोकल प्लेक्सेस में क्या एडवांस बुकिंग चल रही है ये वो नहीं है ये सिर्फ सिंगल स्क्रीन्स का डेटा है जरा ध्यान से सुनिएगा और इतनी मेरी गारंटी है कि इसके एवरेज में सिंगल स्क्रीन्स काफ़ी ज़्यादा हाई पे चल रही हैं इस वक्त पे ठीक है चलिए सुनते हैं पहले टाइगर थ्री एडवांस बुकिंग 130 आज दिन डेढ़ बजे तक का ये डेटा है जिसमें पी वी का नाम है पी वी प्लस आइनॉक्स ये डे वन की नंबर ऑफ टिकट सोल्ड है 89,000 नाइन टिकट सोल्ड आउट अभी फोर डेज टू गो कह सकते हैं 3.5 डेज टू गो पुलिस में 18,000 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट टोटल हो गया वन लाख सेवन थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट डे वन बारह तारीख उसके बाद मंडे मंडे क्यों बता रही हूं अभी से क्योंकि संडे से भी बड़ा मंडे होगा टाइगर का यस ऐसे ट्रेंड आने शुरू हो गए हैं क्योंकि छुट्टी है और वो क्योंकि बारह तारीख को सबको पता है पूजा है एवरी थिंग इज देयर ऑल द फैक्टर्स आते है तो मंडे को ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट होगा उस दिन पर इस वक्त पर पीवीआर प्लस आइनॉक्स में 33,500 टिकट सोल्ड आउट सिनेपोलीस में 5,500 टिकट सोल्ड आउट एंड टोटल 39,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट अब अगर मैं इन दोनों के डेटा को अगर ऐड कर लेती हूँ तो करीब करीब एक लाख चालीस हज़ार टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट फॉर टू डेज विच इज़ ट्वेल्थ एंड थर्टीन ऑफ नवंबर और इसी के साथ साथ अभी हमने जैसे कहा कि इसमें सिंगल स्क्रीन एडिड नहीं है इसमें लोकल प्लेक्सेज एडिड नहीं है ये सिर्फ पी आई सी पी वी आर आइनॉक्सनेपोलिस का डेटा है जो कि अभी भी कह सकते हैं कि अभी भी फुल थ्रॉटल पर आया नहीं है ये फुल थ्रॉटल पर आएगा जैसे ही थर्सडे की नाइट आएगी क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी है सैटरडे को छुट्टी है और बहुत सैटरडे आखिरी दिन है एडवांस हो गएगा उस दिन आएगा असली बहुत बड़ा चेंज सो so, इस वक्त पर भी डिसेंट नंबर्स हैं नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और एक अच्छा ट्रेंड शो कर रहे हैं आगे के समय में जिन में सिंगल प्लेक्सेस की भी जिनकी मैं बात कर रही हूँ आपसे उनके कई सारे एग्जिबिटर्स भी जो हैं इस वक्त बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि इतनी इंक्वायरीज आ रही हैं टाइगर थ्री की इतनी उसको ऑन ग्राउंड लेवल बोलेंगे इतनी इंक्वायरीज आना बार बार लोगों का रिटर्न बार बार यू नो कॉल करके इंक्वायरी करना उससे पता चल जाता है कि भाई मजा आने वाला है अभी अभी भी मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे भी सिंगल स्क्रीन्स हैं जहां पर अभी भी टाइगर की टिकट्स अवेलेबल नहीं है येस yes, मेरे मेरे साथ मेरे को किसी ने इनपुट दिया कि जयपुर में राज मंदिर बहुत ही नामी गिरामी बहुत ही बड़ा थिएटर है ये राज मंदिर में अभी टाइगर थ्री की टिकट्स एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई है तो सोचो अभी कितने सारे प्राइम लोकेशन है जहाँ पर बची है एडवांस बुकिंग सो इट इज़ टू अर्ली टू से कि अभी धीरे चल रहा है मामला या अभी काफ़ी दूर है जैसे ही ओवरऑल ओवरऑल इसका मतलब अभी भी कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर नहीं खुली है जैसे ही खुलेगी उसके बाद जैसे मैंने बताया थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इन दिनों पर इंपैक्ट दिन देखना मैं थर्सडे भी इसमें ऐड नहीं करूंगी मैं बोलूंगी फ्राइडे और सैटरडे को आएगा असली इम्पैक्ट क्या लगता है अब आपको यह सुनने के बाद भाई नेशनल चेंज में जो सिनारियो चल रहा है वर्सेस आप क्या सपोर्ट करते हो आपको क्या लगता है सिंगल स्क्रीन ज्यादा बेटर रहती हैं या आप लोकल uh, प्लेक्सेस में देखना पसंद करते हो अपनी प्रेफरेंस मुझसे शेयर कर सकते हो और बाकी अपनी चॉइस की क्या लगता है आपको पी वी आर में कहां पर देखने जाने वाले कमेंट सेक्शन बाकी दिस वीडियो गिव डोंट एंड डोंट वी टू सब्सक्राइब टू माई चैनल